चलो, सो टुडे ऑनवर्ड्स वी विल बी स्टार्टिंग अनदर चैप्टर व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट नहीं टफेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स. वी कॉल इट एज रोटेशनल मोशन और समवेयर यू माइट हैव सीन रिजिड बॉडी डायनामिक्स. दोनों एक ही बात है. तो चैप्टर का नाम रोटेशनल मोशन बोलो या रिजिड बॉडी डायनामिक्स बोलो, एक ही बात है. रोटेशनल मोशन नाम सुना है पहले तुम लोगों ने? हाँ सर, सुना है। क्या सुना है? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ऐसा कुछ सुना है. हाँ। रिजिड बॉडी क्या होता है? शेप मेंटेन करता है वो, उसका चेंज नहीं, शेप चेंज नहीं होता है. तो जैसे ये मान लो पेन है, इसका शेप चेंज नहीं होगा. हो जाएगा, इसको क्रश करेंगे इसका भी शेप चेंज होगा. हाँ। तो ये रिजिड बॉडी है या नहीं? रिजिड बॉडी है। है तो फिर क्या हो गया डेफिनेशन का? ये तुम लोग अपने मन से डेफिनेशन बनाते रहते हो. नाम में दिखा रिजिड बॉडी है तो बस थोड़ा दिमाग लगा लो. रिजिड मतलब रिजिड, शेप चेंज नहीं करता है, यही सोच के बोला था. या एग्जैक्टली ऐसा कोई डेफिनेशन पढ़ा था तुम लोगों ने क्या? रिजिड बॉडी का शेप चेंज नहीं होता ऐसा? चलो देखो, ध्यान से सुनो. सपोज ये एक रिजिड बॉडी है, कैसे भी मूव कर रहा है, कैसे भी मूव कर रहा है. तो इसमें दो, कोई भी दो पॉइंट ले लो. मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी. आइडियली जो कॉमन सेंस है वो ये बताता है कि इन दोनों किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए. बट इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्स लगाएंगे तो नहीं होगा. मोशन की वजह से नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? यस सर। तो सपोज ए इज मूविंग, पॉइंट ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बी ए वेक्टर मान लो. पॉइंट बी की वेलोसिटी मान लो इधर कहीं ऐसे है, या ऐसे कर, पॉइंट बी की वेलोसिटी मान लो इधर कहीं ऐसे. तो इन दोनों के बीच सेपरेशन चेंज नहीं करेगा. इसका मतलब है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ए बी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए. yes. ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी बी कॉस बीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी ए कॉस अल्फा. होगा ऐसा? यस। सो अगर ये रिजिड बॉडी है तो वी ए कॉस अल्फा और वी बी कॉस बीटा इक्वल होना चाहिए. यस सर। वी ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी बी कॉस बीटा. जस्ट एग्जांपल है, कोई फॉर्मूला नहीं है. तो ये कंडीशन इस बात की गारंटी देता है कि ड्यूरिंग मोशन रिलेटिव सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी डजंट चेंज, इजंट इट? हाँ सर। तो रिजिड बॉडी उसी को कहते हैं, एनी ऑब्जेक्ट ऑन विच सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट डजंट चेंज ड्यूरिंग देयर मोशन, वी कॉल इट एज अ रिजिड बॉडी. क्लियर है? यस सर। अब इस रिजिड बॉडी के मोशन को देखो एक बार. रिजिड बॉडी कैसे मूव कर सकता है? तो या तो ट्रांसलेट कर सकता है, या ऐसे रोटेट कर सकता है, या दोनों कर सकता है. तो रोटेट करते हुए आगे जाए कहीं, कुछ ऐसा? यस सर। ठीक है, तो एक एक करके जरा समझते हैं इन तीनों मोशन में फर्क क्या है. सो फर्स्ट केस, लेट इट बी ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन समझते हो क्या होता है?
लाइन में मोशन. हाँ वेरी गुड, नहीं तो मुझे लगा इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन बोलोगे. ट्रांसलेशन मोशन को देखो. किसी भी रिजिड बॉडी के ट्रांसलेटरी मोशन को देखोगे तो क्या होगा? मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है किसी भी शेप साइज का, तो इसके हर पॉइंट मोशन में होंगे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस से मिलके बना होगा रिजिड बॉडी. यस, हर पॉइंट की वेलोसिटी अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दे आर इक्वल, इजंट इट, तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. क्योंकि किसी दो की वेलोसिटी अगर डिफरेंट हो जाएगी तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, इसका मतलब है इसका शेप साइज चेंज करेगा. सो ट्रांसलेशन मोशन में V1, V2, V3 सब इक्वल होंगे. और इक्वल किसके बराबर होंगे? तो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर होंगे. सबका इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वही होगी ना, बोलो. यस, सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ चुके हो? हाँ सर पढ़ा है. अरे वाह, बधाई हो. क्या होता है सेंटर ऑफ मास? सिमेट्री पॉइंट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मास. एक्ट करता है, क्या होता है एक्ट? मास एक्ट करने का क्या मतलब है? नहीं वो तो जब ये होगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्या मतलब है? पूरी बॉडी का मास वहीं पर होगा, क्या मतलब है? रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे होता है, वहां पे कोई मास नहीं है. हाँ सिमेट्री है ना वहां पे, लाइक हाँ तो सिमेट्री से पॉइंट ऑफ सिमेट्री वो मास डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा ऑब्जेक्ट. सेंटर ऑफ मास क्या है बता सही से. सेंटर ऑफ मास जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है. सेंटर ऑफ मास तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है ना. सेंटर ऑफ मास क्यों यूज करते हैं कौन बताएगा? कैलकुलेशन इजी करने के लिए. किस चीज का कैलकुलेशन? हर एक पार्टिकल को लेने से अच्छा एक ही पार्टिकल को लेके. तो जब 50 पार्टिकल है तो हम एक ही का क्यों ले? क्या मतलब है इस बात का? एक बड़ा सा एक बॉडी होगा तो ग्रेविटी क्या है? वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. मैं सेंटर ऑफ मास पूछ रहा हूँ. नहीं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो अलग अलग चीजें हैं. लो लग गई तुम लोगों की लंका. सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है? क्यों पढ़ते हैं? नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? जब सारे पॉइंट अलग अलग मूव कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट का क्यों निकालें? तो रीजन क्या है निकालने का? रिजिड बॉडी में तो सब इक्वल होगा ये मैं मान लिया, बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सेंटर ऑफ मास पढ़ने का क्या रीजन है? पता नहीं, सोचो, बताऊंगा बाद में. चलो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है. तो इस पूरे रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ. यस, नाउ V1V2 ये सब कॉमन है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर है.
अगर सारे वेलोसिटीज इक्वल हैं हर पॉइंट के तो वही सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी होगी, इतना तो मालूम है ना। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिख रहा है, हाफ टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। दिखा ऐसा। तो ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन। प्योर रोटेशन में देखो एक बार, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन में कि रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, यही कहानी है। रोटेट का मतलब क्या है, जैसे ये एक रिजिड बॉडी है किसी भी रैंडम शेप साइज का, ये पूरा पूरा का पूरा बॉडी मान लो ये कोई एक्सिस है इसके अबाउट घूम रहा है, घूम रहा है मीन्स ये एक्सिस कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी से पास करे, बाहर भी हो सकता है। तो मान लो इसके अबाउट रोटेट करता है, तो इस रिजिड बॉडी में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हैं, एक रिजिड बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस होंगे, yes. ये सब इसी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगा then each of particle individually is moving along circular path of different radii, isn't it? जैसे इस point mass का distance अगर axis of rotation से r1 है तो ये r1 radius के circle में घूम रहा है, yes. ये r2 radius के circle में घूम रहा है, ये r3 radius के circle में घूम रहा है, ऐसा है। बट सारे सर्कुलर मोशन में जो कॉमन होगा वो एंगुलर वेलोसिटी होगा, सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। अगर रिजिड बॉडी है, अगर रिजिड बॉडी है तो पूरा का पूरा बॉडी एक साथ रोटेट करता है, तो छोटे रेडियस वाला करे या बड़े रेडियस वाला करे, एक रोटेशन एक ही टाइम पे कंप्लीट करेगा। So angular velocity of each particle will remain identical in case of rigid body, isn't it? यही सोचो, अगर rigid नहीं होता है spring के जैसा तो उसको घुमाओगे तो कुछ कम घूमेगा कुछ ज्यादा घूमेगा, समझ रहे हो इस बात को? तो ये सारे जितने भी सर्कुलर मोशन हो रहे हैं, इस सारे सर्कुलर मोशन के सेंटर का लोकस लोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, उस स्ट्रेट लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब इस सर्कुलर मोशन में, इस रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, अगेन हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम थ्री वी थ्री स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब जैसे ट्रांसलेशन में क्या था कि v1 v2 सब इक्वल था, इसमें ऐसा नहीं होगा। v1 क्या होगा, r1 into omega, ये बात समझ आ रही है? v2 क्या होगा, r2 into omega। So omega हर पार्टिकल के लिए कॉमन होगा, बट सिंस देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट, इसकी स्पीड अलग अलग होगी, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, ये हो गया एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ। ये रोटेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी दिख रही है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो टर्म है, ये टर्म m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये वाला जो टर्म दिख रहा है, इस टर्म को हम एक अलग फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वी कॉल इट एज मोमेंट ऑफ इनर्सिया।
नाम सुना है पहले? कहाँ सुना है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा था। फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ आया उसका? मोमेंट भी सुना है, मोमेंट ऑफ फोर्स का। हाँ मोमेंट ऑफ फोर्स सुना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है? नहीं अभी बोला था सुना है, फिर बोलता है नहीं। इनर्शिया दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल इनर्शिया जिसको मास कहते हैं, मास इनर्शिया ही है ना, जिसका मास ज्यादा होगा हम बोलते हैं उसकी इनर्शिया ज्यादा है। यस। और इनर्शिया क्या है? लेजीनेस। हाँ, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको मोशन कराने में ज्यादा फोर्स चाहिए। Yes. उसी तरह जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोटेट कराने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए, ज्यादा एफर्ट चाहिए, ऐसे समझो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? फर्स्ट थिंग, इट इज मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। अच्छा, रोटेशनल इनर्शिया दो बातों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। जैसे मास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फिक्स था, मतलब ट्रांसलेशनल इनर्शिया फिक्स होता है, बट एक ही मास का रोटेशनल इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है। समझ रहे हो? Yes. तो ये डिपेंड करता है एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया एक ही होता है, बट रोटेशनल इनर्शिया अलग अलग हो सकता है अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। क्लियर है? हाँ। तो एक नया वर्ड मिला हम लोगों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे समझ लो, आगे गोइंग फॉरवर्ड ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे 10 लेक्चर में, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो देखोगे ट्रांसलेशनल मोशन से कंपेयर करोगे तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल मास का था वो रोल यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मिलेगा। सारे फॉर्मूले इसी तरह से चेंज होते जाएंगे। जैसे ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ऊपर देखो अभी इसका काइनेटिक एनर्जी क्या मिला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। सो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। बात समझ आए? यस। सो दिस इज एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एम आर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर होगा। जैसे मास स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? जल्दी से कॉपी कर लो। कॉपी कर लो, आगे होगा तो बताना, मैं आगे इसको और जूम कर दूंगा, तब तक इतना कॉपी कर लो।
लिख लिया, आगे स्क्रॉल करूं नीचे, आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। डन सर, एक मिनट सर, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास उस पे डिपेंड करता है ना इनर्शिया? हाँ, डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। डन एक मिनट सर, हाँ सर, लिख लिया सबने? हाँ सर। ग्रेट, यही है। अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों कंबाइंड हो, दोनों कंबाइंड मोशन हो सकता है। हाँ सर, जैसे वो ओल्ड मूवी, वो मिथुन चक्रवर्ती की विलेन को मारता था तो आगे भी जाता था, घूमता घूमता रहता था, कुछ ऐसा साउथ इंडियन मूवी देखता है तुम लोग? हाँ हाँ
कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। सो ऐसा भी हो सकता है कि मोशन रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे सपोज ये एक रॉड है, ये रॉड स्लाइड कर रहा है एक वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल सरफेस में। अगर ये स्लाइड करेगा तो क्या होगा, एक्चुअल में ये रोटेट भी कर रहा है इसके अबाउट और ये पॉइंट आगे भी जा रहा है, दोनों बातें हो रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो जब कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन हो, मानो रोटेशन एंगुलर स्पीड ओमेगा है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी जीरो है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो इट विल हैव टू कंपोनेंट, वन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट हाफ टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। आया समझ में? यस। सो नाउ ऑनवर्ड्स, आज के बाद अगले दो तीन लेक्चर तक हम लोग केवल और केवल सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन देखो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको ऊपर मिल गया है। तो वो जो फॉर्मूला मिला है वो सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस का मिला है। सो फॉर सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेज मतलब ये एक मास है मान लो M1, ये एक मास है मान लो M2, ये एक मास है मान लो M3, ये एक मास है मान लो M4, ये सब मिलाकर एक सिस्टम, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, लेट्स से इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इस सिस्टम में ये जो मास M1 है वो एक्सिस से R1 डिस्टेंस पर है, M2 है वो एक्सिस से R2 डिस्टेंस पर है, M3 एक्सिस से R3 डिस्टेंस पर है, M4 एक्सिस से R4 डिस्टेंस पर है। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया है M1 R1 स्क्वायर, अभी ऊपर देखा था सब लोगों ने। इन जनरल वी कैन राइट इट एज समेशन ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू वन टू एन। ये एक जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं हम लोग। यस सर। इसमें दिस आर आई इज Distance of mass mi from axis of rotation, isn't it? Yes. जल्दी से इसको कॉपी कर लो। अब इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करेंगे दो चार क्वेश्चन। तो केस थ्री और ये बचा हुआ है, जल्दी कॉपी कर लीजिए।
लिख लिया सबने? तो एक Yes. चलो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, दिख रहा है सबको? हाँ सर, कोशिश करो जल्दी। सर हो गया, एक मिनट सर। क्या आंसर आया फर्स्ट का? 20 ml². वेरी गुड। सेकंड का भी? सेकंड का 5 ml². वेरी गुड, दोनों सही है। सबका आ गया? देखो कुछ ऐसा है कि
थ्री लाइट रॉड्स, लाइट मतलब मासलेस, yes. तो इस ट्रायंगल में पॉइंट ए बी और सी मास कितना m, 2m और 3m, और ये लाइट रॉड है मतलब इसमें मास नहीं है, जस्ट डिस्टेंस के लिए, इस सब में मास नहीं है, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, सेपरेशन बिटवीन एनी टू मास इज 2l. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, इजंट इट. तो पॉइंट ए से एक एक्सिस अगर पास करोगे जो ट्रायंगल से परपेंडिकुलर है, तो उस एक्सिस से पॉइंट बी का डिस्टेंस 2m, पॉइंट सी का डिस्टेंस 3m और पॉइंट ए का डिस्टेंस 0. यस. सो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई विल बी m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू 2l का स्क्वायर प्लस 3m इंटू 2l का स्क्वायर, ऐसा होगा. हाँ सर. नहीं, परपेंडिकुलर टू पॉइंट ए, परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल, क्वेश्चन पढ़ो. मतलब तुम्हारा ऐसा है, एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, पॉइंट ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l ही रहेगा ना, तो ये सम हो जाएगा 20ml स्क्वायर. कोई डाउट किसी को ए में? नो. पक्का? बी में देखो, बी में बोला है एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसका मतलब है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा. ये बात समझ आ रही है कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है. हाँ. तो ये वाला डिस्टेंस एल, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में वर्टेक्स से अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ही होगा. तो इस केस में आंसर क्या होगा, m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू l का स्क्वायर प्लस 3m इंटू l का स्क्वायर, दैट इज 5 टाइम्स ml स्क्वायर. कोई डाउट किसी को बी पार्ट में? नो सर. पक्का? हाँ सर. आगे बढ़े? यस यस सर. तो आगे इसी कंटिन्यूएशन सी पार्ट लिख लो. अबाउट एन एक्सिस passing through centroid of the triangle and perpendicular to it. इसको कोशिश करो.
आया सबको कुछ आंसर? हाँ सर। क्या आया? 9 ml2। 9 ml2। चलो देखो इधर, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड सब एक ही होता है। हाँ मालूम है। हाँ तो ये सेंट्रोइड हो गया तुम्हारा, तो सेंट्रोइड से इन तीनों मास का डिस्टेंस इक्वल होगा। यस। अच्छा, तो ये मास m है, ये मास 2m है और ये मास 3m है। ऐसे ही कहानी है। यस। तो कॉमन सेंस से देखो, ये डिस्टेंस r r r जो इक्वल दिख रहा है, ये अगर पता चल जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा I is equal to m into r square plus 2m into r square plus 3m into r square। ऐसा होगा? Yes. That is 6m into r square। हाँ. अब अगर ये r मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। Yes. तो जैसा मैंने कहा कि सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड सब एक ही होता है, तो ध्यान से देखोगे ये एंगल 30 डिग्री होगा। हाँ सर। और ये एल होगा। यस। तो इस ट्रायंगल में कॉस 30 इज एल बाय आर। हाँ। तो कॉस 30 डिग्री इज एल अपॉन आर। कॉस 30 इज रूट 3/2। यस सर। सो रूट 3/2 इज एल अपॉन आर। हाँ। तो r की वैल्यू हो गई 2l अपॉन रूट 3। यस। r का ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 8 ml2। तो r का ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या मिलेगा? 8 ml2। 6m 2l अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। हाँ। दैट इज 8 ml2। सबका आंसर गलत था। क्यों? तो ये तो क्लास 9-10 में पढ़े होगे ना, इतनी ज्योमेट्री भी नहीं आती तो क्या फायदा। सही है। बात नहीं, जल्दी कॉपी करो सर। हो गया, आगे बढ़े। हाँ। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट इसी में एक और करो। डी ए बी सी डी होगा। अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू बी and parallel to AC. कोशिश करो, चिंदी है ये।
Done, sir. सर हो गया आया आंसर सबको हाँ सर 12 ml square 12 ml square बाकी तुम लोगों को क्या आया इधर 3 ml square कोई 3 बोल रहा है कोई 10 बोल रहा है कोई 12 बोल रहा है चल देख इधर सारे गधे इधर देखो नहीं आता मुझे पता है ना आज तुम्हें पता चला तुम्हें एडिशन नहीं आता है धीरे धीरे पता चलेगा बहुत कुछ नहीं आता है देख इधर इसमें लाइन एसी के पैरेलल एंड पासिंग थ्रू बी है ऐसा हाँ सर तब ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया यस सर तो पॉइंट बी से इसका डिस्टेंस तो जीरो हो गया पॉइंट ए के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यही एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस होगा यस सर कॉमन सेंस से दिख रहा है सी से भी यही कहानी होगी यस सर इक्वल सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस लाइन पर तो ये लेंथ भी उतना ही आएगा हाँ सर तो ये लेंथ जो कुछ भी आ जाए लेट इट बी आर तो हमारा आंसर क्या होगा एम इंटू आर स्क्वायर प्लस 3m into r² हाँ सर m into r square plus 3m into r square plus 2m into 0 ऐसा कुछ that is 4m r square अब इस r की कहानी देखो ये एंगल देखोगे 60 डिग्री है yes. तो ये भी 60 है हाँ और ये लेंथ 2L है तो ये डिस्टेंस 2L sin 60 होगा यस सर तो 2L sin 60 मतलब √3/2 हाँ सर दैट इज √3L हाँ तो R की वैल्यू √3L यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो आई बात समझ में हाँ सर तो 4m into √3L का whole square that is 12 ml² आया था आंसर हाँ सर आया था अरे वाह बधाई हो थैंक आगे बढ़े यस सर चलो इसमें एबीसीडी बहुत हो गया अब एक दूसरा क्वेश्चन कुछ भी नाम सुन लिया है पैरेलल एक्सिस है मतलब दोनों एक्सिस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा ऐसा नहीं होता
उसके अलग कंडीशन है, कुछ भी तुम लोग सीख लेता है, कहीं कहीं से नाम सुन लेता है। हाँ नाम देखा इसीलिए ना। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कोशिश करो, दिख रहा है सबको? यस।
सर हो गया। सर क्या आंसर आया बेटा? 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ रहा है। अरे वाह, देखते हैं, मुझे नहीं पता आंसर, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा सब सही है, बट वो सब उसके लिए चलो देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक आर केप्ट एट द मार्क 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऑन अ मीटर स्केल। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मीटर स्केल। भगवान इतना मेहनत करवाएगा ये। देखो ये मीटर स्केल है, yes. तो ये मीटर स्केल का ये 0 का मार्क होगा, हाँ ये 1 का होगा, हाँ. ऐसे ही करते करते ये 100 का होगा, yes. और बीच में 50 का रहेगा, हाँ. और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी 50 वाले लाइन से पास कर रहा है। हाँ सर कर रहा है। देखो ये तुम लोगों को भगाने के लिए आया। अब देखो ये 0, 1, 2, 3 जितना भी है, जो इसकी रीडिंग है उतने ही ग्राम का मास रखा हुआ है, yes. है ना। 1 सेंटीमीटर पर 1 ग्राम का मास है, 100 सेंटीमीटर पर 100 ग्राम का मास है, है ना। 99 सेंटीमीटर पर 99 ग्राम का मास है, 2 सेंटीमीटर पर 2 ग्राम का मास है, समझ रहे हो तुम लोग। इधर 98 सेंटीमीटर पर 98 ग्राम का मास है, 50 के इस साइड 49 होगा और 50 के इस साइड 51 होगा, 49 वाले पर 49 ग्राम का मास होगा, 51 वाले पर 51 ग्राम का मास होगा। ध्यान से देखोगे तो बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिख रहा है दोनों साइड, यस। यहाँ पर टोटल मास कितना है? 100 ग्राम। 100, वेरी गुड। यहाँ पर टोटल मास कितना है? 100 ग्राम। ये दोनों मिलाकर भी 100 है, इसी तरह ये दोनों मिलाकर भी 100 दिख रहा है, yes, 1 और 99 वाला, हाँ। तो कॉमन सेंस से ये कैलकुलेशन कुछ ऐसा दिख रहा है कि I इज इक्वल टू M, दैट इज 100 ग्राम, और ये 100 ग्राम वाला कितने पर है? तो दोनों साइड 50-50 पर है, yes. तो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100 ग्राम, और ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ रहे हो, yes. प्लस 100 ग्राम इंटू 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कहानी चलती जाएगी, है ना। एंड लास्ट वन विल बी 100 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, समझ आया सबको? यस। तो 100 ग्राम इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है सब,
प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, ऐसा करते 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 50 के स्क्वायर तक जाएगी कहानी। अब प्रोग्रेशन में पढ़े हो, समेशन आर स्क्वायर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। वेरी गुड। सो 100 ग्राम का 10 रेज टू माइनस 3, सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रेज टू माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका जो फॉर्मूला है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ऐसा कुछ? Yes. यही पढ़ा है तुम लोगों ने ना? हाँ। इसमें n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 50। तो ये इधर हो गया 10 रेज टू माइनस 5, और इधर 50 पुट कर दोगे तो 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 6, सो 3 से 2, 3 से 17, 2 से 25 इधर। हाँ। बाकी मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को आता होगा शायद। हाँ। 25 इंटू 17 इंटू 101 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 के जी मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। 0.4 भैया, 0.429। पक्का? हाँ सर। मैं नहीं चेक कर रहा, मुझे नहीं आता ये सब। 0.429। हाँ सर। के जी मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, यही आंसर आया था? हाँ सर। अरे वाह, वेरी गुड। जल्दी कॉपी कर लो। आगे बढ़े? Yes। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फॉर्मूला देखा था, समेशन एम आर स्क्वायर, ये क्या है? सिस्टम पॉइंट मास। सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस है। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम कहते हैं, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मास किसी न किसी शेप साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो इसके लिए कुछ नया जानने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला था अभी, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू n। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में क्या होगा कि जो भी शेप साइज है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस से मिलकर बनेगा। तो कोई भी एक एलिमेंट्री पॉइंट मास ले लेंगे dm, एक्सिस से उसका डिस्टेंस ले लेंगे आर, और इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो यही कहानी होगी। Yes। किसी भी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जैसा भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल जाएगा। आया ना? हाँ। तो यहाँ पर dm क्या है? एलिमेंट्री पॉइंट मास। और r क्या है? डिस्टेंस ऑफ dm फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस।
सो डिस्टेंस ऑफ टी एम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जल्दी से कॉपी कर लो. हो गया, आगे बढ़े. यस. हो गया. चलो इसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कोई भी यूनिफॉर्म रॉड है तो डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट तुम लोग करके बताओ. ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है. इसका लेंथ l और इसका मास है कैपिटल m. इसके किसी एंड पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा. कोशिश करो सॉल्व करने का.
डन। आया कुछ सर? ML स्क्वायर बाय 3। वेरी गुड। अभी देखते हैं, एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर अगर हम छोटा सा dx लेंथ ऑफ रॉड ले लेते हैं, तो इस dx लेंथ ऑफ रॉड का मास मान लो dm है, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये हम क्या लिखेंगे, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एल। यहां तक कोई दिक्कत? नो। अब टोटल मास एम है और टोटल लेंथ एल है, तो मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल हो जाएगा। यस। So m by l is mass per unit length. तो mass per unit length अगर m by l है, तो dx length में mass कितना हो जाएगा? Mass per unit length multiplied by length dx. Yes. That is m by l into dx. इस dm को यहां substitute कर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, integral 0 to l m upon l into x square dx। हो गया ऐसा कुछ? yes। तो ये हो गया m upon l बाहर integral x square dx from 0 to l। तो x square का क्या होगा, x cube by 3 होगा। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, तो l cube by 3 हो जाएगा। तो l से l क्यूब कैंसिल होगा, l स्क्वायर बचेगा न्यूमरेटर में। yes। तो फाइनली 1/3 एम एल स्क्वायर होगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया कि यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट is ml square by 3। इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर लो, इस चैप्टर में बहुत यूज होगा। आगे बढ़े। अच्छा लिखना है, जल्दी से लिख लो।
चलो नेक्स्ट वही रॉड है, मास एम, लेंथ एल, यूनिफॉर्म रॉड, मास एम, लेंथ एल, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन अब इसके मिड पॉइंट से पास करता है और इस पर परपेंडिकुलर है. सो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है. ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब ये डिस्टेंस एल बाई टू है. समझ आया? जल्दी कोशिश करो. बोलो आया कुछ? हाँ सर, ML square bat वाला. वेरी गुड. सबको आया है ML स्क्वायर बाय 12? देखो इधर, अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन के जैसा सिमिलर करने जाएं, तो एक तरीका यह हो सकता है कि यहाँ के एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर अगर हम छोटा सा dx लेंथ का एक एलिमेंट्री पॉइंट मास लेते हैं, तो वो पॉइंट मास dm ये हमारा हो जाएगा m अपॉन l dx. पहले भी किया था. Yes. इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज dm इंटू x स्क्वायर होगा. हाँ सर. दैट इज m बाय l इंटू x स्क्वायर dx. अब अगर हम लोग इसको दोनों ओर इंटीग्रेट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, तो पूरा लेंथ ऑफ द रॉड कवर हो जाएगा. हाँ. सो m अपॉन l, इसको लिख दो x क्यूब अपॉन थ्री
लोअर लिमिट माइनस एल बाई टू, अपर लिमिट प्लस एल बाई टू? सो एम बाई एल टू क्यूब एट, एट थ्री जै 24, सो एल क्यूब अपॉन 24 प्लस एल क्यूब अपॉन 24, कुछ ऐसा होगा? यस. तो दोनों मिलाकर एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा. अगेन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस चैप्टर का जो आपको याद रखना चाहिए कि यूनिफॉर्म रॉड रहे तो उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है. कोई डाउट किसी को? सर इसको एक अल्टरनेटिव वे से भी निकाल सकते हो बिना इंटीग्रेशन के, वो भी देखो. इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो रॉड है, इस रॉड को दो आइडेंटिकल पार्ट में अगर ले लें तो, और एक्सिस यहां से पास कर रहा है, तो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू कि ये एक रॉड हो गया जिसका मास m बाई टू और लेंथ l बाई टू, और ये हो गया जिसका मास m बाई टू और लेंथ l बाई टू, ऐसा? तो इन दोनों का, रेड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एंड पॉइंट के अबाउट i1 है और ब्लू वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एंड पॉइंट के अबाउट i2 है, और एंड पॉइंट के अबाउट फॉर्मूला हमारे पास है एम एल स्क्वायर बाई 3 का. तो हम ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सो 1 बाई 3 M, दैट इज M बाई 2, L स्क्वायर दैट इज L बाई 2 का स्क्वायर होगा. दूसरे का भी ऐसा होगा 1 बाई 3 M दैट इज M बाई 2, L स्क्वायर दैट इज L बाई 2 का स्क्वायर. आई बात समझ में? Yes. So m l square by 24 plus m l square by 24 दोनों को ऐड कर दिया तो m l square by 12, इससे भी वही होगा. कोई डाउट किसी को? नो. कॉपी करना है या आगे बढ़ू? एक मिनट. तो कॉपी करना है, जल्दी कर लो. आगे बढ़े. तो एक ओके इस यूनिफॉर्म रॉड में एक और देखो.
अभी तक जो दोनों हमने किया था, दोनों में क्या था कि एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर था, चाहे मिड पॉइंट वाला हो या एंड पॉइंट वाला। अब अगर मैं ऐसा कह दूं कि एक्सिस मिड पॉइंट से पास करता है लेकिन एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, रॉड के साथ कुछ थीटा एंगल बनाता है, सो सेम स्टोरी, मास m, लेंथ l, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढना है आपको। आया समझ में? हाँ। कोशिश करो। आएगा कैसे? एक मिनट सर।
डन सर। सर हो गया, सर हो गया, हो गया। कैसे किया? ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या हुआ? m आंसर ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय बैटल। अच्छा कैसे किया? वो लाइक वो डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड तो sin कंपोनेंट हो जाएगा ना हर एक इसका x डिस्टेंस, तो sin थीटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में वो बाहर आ जाएगा। डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, स्केलर स्केलर का कंपोनेंट होता है? नहीं होता। तो फिर देखो इधर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर अगर कोई dx लेंथ ऑफ रॉड देखेंगे तो ये जिस इसका इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x sin थीटा होगा। हाँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लिखें तो दिस di इज dm इंटू x sin थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज m by l dx इंटू x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यस, इसी को इंटीग्रेट कर दो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, सो एम अपॉन एल साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। यस, तो ये हो गया एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, लोअर लिमिट माइनस एल बाई टू अपर लिमिट प्लस एल बाई टू, तो वही आ जाएगा वन बाई ट्वेल्व एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? यस। हो गया, आगे बढ़े। हाँ हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? यस। यही अगर रॉड यूनिफॉर्म नहीं रहे, नॉन यूनिफॉर्म रहे, तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे है उसका अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो सॉल्व कर लेंगे। फर्क इतना है कि इसमें लैम्डा कांस्टेंट था, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ दिया हुआ होगा उसका इक्वेशन, है ना? Yes. एक नॉन यूनिफॉर्म का एक क्वेश्चन सॉल्व कर। नॉन यूनिफॉर्म रॉड,
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिखते चलो, अ रॉड हैविंग लीनियर मास डेंसिटी varies as lambda is equal to lambda naught into x, where lambda naught is constant and x is distance taken from lighter end of the rod. Find moment of inertia of the rod about an axis passing through its center of mass and perpendicular to it. इसको सॉल्व करो. तो लेंथ ऑफ रॉड एल रहे. हाँ, लेंथ ऑफ रॉड एल है. कोशिश करो, देखो कौन सॉल्व करता है. चॉकलेट दूंगा जो सॉल्व करेगा.
चलो देखो इधर, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना पड़ेगा, कहाँ है? हाँ सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये बताओ, अभी अभी पढ़े होगे तुम लोग। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर मिलेगा? इंटीग्रेशन करके करना पड़ेगा आर डी। हाँ तो कितना होगा? मैंने हे भगवान, बोल भाई कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, क्या सॉल्व करके कुछ कुछ आंसर बता रहा है, पहले सेंटर ऑफ मास बता कहाँ होगा। उसमें मेरी सही है यार तुम लोग। चलो लैम्डा नॉट इंटू एक्स डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इंटू एक्स डी एक्स जीरो टू एल, ऐसा होगा? ये बात समझ आए? यस। पॉइंट ए से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ढूंढ रहे हैं, तो ये लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे इंटीग्रल एक्स डी एक्स होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री, तो ऊपर हो जाएगा एल क्यूब बाय थ्री और नीचे हो जाएगा एल स्क्वायर बाय थ्री। एल स्क्वायर बाई टू सॉरी, तो दोनों मिला के फाइनली टू एल बाई थ्री होगा। हेलो यस सर, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मुझे मिल गया। इसके आगे हम ट्राई करें, एंड ए से टू एल बाई थ्री पर होगा और एंड बी से एल बाई थ्री पर होगा, ये बात समझ आई? हाँ। अब देखो अभी भी गलत होगा मुझे पता है, इसलिए ध्यान से देखो। एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स लेंथ अगर हम ले लें, हाँ। तो इस ब्लैक वाले पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाल लें तो उसी को माइनस टू एल बाई थ्री से एल बाई थ्री तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस सर, सो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस डीएम जो कि क्वेश्चन का है इनटू एक्स स्क्वायर फ्रॉम माइनस टू एल बाई थ्री टू प्लस एल बाई थ्री। यस, इस डीएम का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? लैम्डा नॉट एल बाई थ्री माइनस एक्स। हाँ ये गलत हो गया, इसीलिए मैंने कहा था एक जगह और गलती होगी। डीएम इज लैम्डा नॉट इनटू एक्स है, तो x क्या है एंड ए से डिस्टेंस, तो यहाँ पर अपने केस में हो जाएगा 2l by 3 plus x into dx into x square, ये बात समझ आई? एक्सिस से डिस्टेंस अगर हमने x लिया है तो एंड ए से डिस्टेंस 2l by 3 plus x होगा। हाँ, जो लैम्डा का एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स, उसमें डिस्टेंस एक्स इज टेकन फ्रॉम लाइटर एंड। हाँ यस, बस अब हो जाएगा। सो लैम्डा नॉट कांस्टेंट बाहर, इसमें टू एल बाई थ्री बाहर, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस टू एल बाई थ्री टू प्लस एल बाई थ्री प्लस दूसरे में एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम माइनस टू एल बाई थ्री टू प्लस एल बाई थ्री, ऐसा कुछ होगा? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, सो टू लैम्डा नॉट एल अपॉन थ्री और एक्स क्यूब बाई थ्री
लोअर लिमिट माइनस टू एल बाय थ्री, अपर लिमिट प्लस एल बाय थ्री, प्लस लैम्डा नॉट इंटू एक्स फोर बाय फोर, लोअर लिमिट माइनस टू एल बाय थ्री, अपर लिमिट प्लस एल बाय थ्री, ऐसा होगा? यस। एल क्यूब पुट करोगे तो क्या हो गया, ये टू लैम्डा नॉट एल अपॉन थ्री का तो नाइन हो गया, और ये हो गया एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी सेवन प्लस टू का क्यूब एट, एट एल क्यूब अपॉन ट्वेंटी सेवन प्लस लैम्डा नॉट बाय फोर बाहर, ये हो जाएगा एल टू द पावर फोर अपॉन एटी वन, थ्री टू द पावर फोर माइनस सिक्सटीन एल टू द पावर फोर अपॉन एटी वन। चमक रहा है कुछ? तो एट प्लस वन नाइन, नाइन नाइन गया, टू लैम्डा एल फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन, और सिक्सटीन माइनस वन माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, तो माइनस फिफ्टीन लैम्डा नॉट एल फोर अपॉन फोर इंटू एटी वन, कैंसिल हो रहा है ना, थ्री से थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री से ट्वेंटी सेवन, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ट्वेंटी सेवन इंटू फोर, तो एट माइनस फाइव लैम्डा नॉट एल फोर, दैट इज थ्री लैम्डा नॉट एल फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन इंटू फोर, सो लैम्डा नॉट एल फोर अपॉन थर्टी सिक्स, ऐसा कुछ आंसर होगा तुमका कुछ? यस, कॉपी कर लो।
लिख लिया सबने? यस। चलो बहुत पढ़ लिया, भाग जाओ। थैंक यू सर, बाय। या बाय सर, अच्छी से कुछ करना है अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के बाद।